सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों ये भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्या है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला हम जीव जगत के प्रति प्रेम है। भगवान हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं जैसे पिता पुत्र बच्चों को प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो ये उनकी प्रेम है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, पर मैं तो कहता हूँ ये तो है प्रेम का गीत, भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है। आइए इस अध्याय के पहले अध्याय के ओर प्रस्थान करते हैं। इस पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, इनकी परेशानी के कारण क्या है ये कारण को देखेंगे। और हम देखते हैं संजय जो है वो परेशान नहीं है, भीष्म पितामह परेशान नहीं है, वे क्यों परेशान नहीं है वो भी हम देखेंगे। एक छोटा सा जो है एक छोटा सा एक कहानी के साथ इसे आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। गांव में एक आलसी बालक था, घर वाले परेशान उसे निकाल दिया। वो आलसी बालक अड़ोस पड़ोस से लेता है, अड़ोस पड़ोस वाले भी देखा है आलसी है, सुधरेगा नहीं, भगा दिया। तो भूखा व्यक्ति था, मरता क्या नहीं करता, तो एक घर में चोरी करने गया तो लोगों ने देखा उसका पीछा किया, डर के मारे भागा तो भागा, जंगल भागा, जंगल भागा तो डर गया, वहां पे शेर वेर सब आ रहा था, एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ा तो चढ़ा तो देखा एक लोमड़ी जो है लंगड़ते हुए आ रहे, लोमड़ी और लंगड़ते हुए आ रहे, हाँ लोमड़ी लंगड़ते हुए। तो बोले ये कैसे जिएगा, खाएगा क्या, पिएगा क्या। तो उतने में आधा घंटे के बाद शेर के गरजने की आवाज आया तो डर गया, पर शेर गरज भी रहा था और मांस को जो है मुंह में लेकर आ रहा, तो बोला कि अभी ये शेर जो है लोमड़ी को खा जाएगा। पर देखा विचित्र अद्भुत विलक्षण बात कि वो शेर ने क्या किया, वो लोमड़ी को जो है मांस दिया और चला गया। अरे वो बालक सोचा बस मुझे अब भगवान ने संदेश दिया कि मैं लोमड़ी जैसा जो है पड़े रहूं और शेर आएगा मुझे खिला के जाएगा। बहुत खुश हो गया, अगले दिन गांव में निकल गया और कुटिया बनाया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुका, कोई आया नहीं देने के लिए, तो वो भूख के मारे मर रहा था। एक संत जा रहा था तो संत से पूछा मुझे मदद करो, मदद मदद करो, मैंने देखा ऐसा ऐसा घटना घटी, भगवान का संदेश है कि मैं लोमड़ी जैसे पड़े रहूं शेर आके खिलाएगा। तो परेशान था वो संत, ने कहा भगवान ने संदेश तो दिया है पर आपने उस संदेश को ठीक से नहीं, आपने उल्टा ले लिया। आपको भगवान संदेश दे रहे हैं कि आप लोमड़ी को मदद करो और आप शेर बनो, मेहनत करो और लोमड़ी को खिलाओ। ये इस बात जब संत के मुंह से आया तो उसके हृदय में ये बात बैठ गया और उस दिन से वो मेहनत करने लगा और जो गरीब और असहाय लोग थे उनको मदद करने लगे, हृदय में प्रसन्नता आई। बात यह है जब तक वो भगवान के संदेश को जाना नहीं तब तक वो जो है परेशान था। भगवान का योजना क्या था कि वो शेर बन के सबको खिलाए और वो लोमड़ी बनकर जी रहा था अपना योजना समझ के, तब तक वो परेशान। अर्जुन परेशान है क्योंकि उनका योजना भगवान की योजना से अलग था। धृतराष्ट्र परेशान है क्योंकि धृतराष्ट्र का योजना भगवान से अलग था। और दुर्योधन वो भी परेशान है, तो आइए हम भी परेशान हैं क्योंकि हमारा योजना भी कहीं ना कहीं भगवान की योजना से अलग है। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में देखते हैं। बात इतनी से भगवान का एक योजना है और हमारा एक योजना है। जब तक हमारा योजना भगवान की योजना से तालमेल नहीं करता है उस बालक की तरह हम भी परेशान रहेंगे। अर्जुन परेशान, धृतराष्ट्र परेशान, दुर्योधन परेशान, बात इतनी सी है कि उनका योजना, हम भी परेशान है। टटोल कर देखना है कि हमारा योजना भगवान की योजना से तालमेल कर रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए भाग 1 की ओर गोता लगाते हैं, आनंद लेते हैं और इसमें
इसका रसपान करते हैं। तो धृतराष्ट्र का वर्णन आता है। धृतराष्ट्र, अब धृतराष्ट्र परेशान है, तो बात इतनी सी है, धृतराष्ट्र का योजना है कि इस युद्ध में जो है वो जो है राजा बनेगा और जो है पूरा शासन करेगा भारत का। तो ये उनका योजना है, पर भगवान का योजना है कि युधिष्ठिर महाराज क्या है, राजा बनेगा। तब ये योजना अलग होने के कारण धृतराष्ट्र परेशान है। धृतराष्ट्र वाच, धृतराष्ट्र वाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मम का पांडव चैव किम अकुर्वथ संजया। धृतराष्ट्र परेशान है, क्यों? धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो अपने आप को जो है जो जो जो, जो धरती को धारण करना चाहता है, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। तो वो धरती को धारण करके राजा बनना चाहता था, पर उनका योजना भगवान के योजना से अलग होने के कारण वो दुखी था। तो इस प्रकार से उनके जो हृदय में जो परेशानी है, उनके शब्दों से दिखाई पड़ रहा है। हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो कहते हैं कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और मेरे संतान जो है अधार्मिक है, और ये कुरु वंश में होते हुए भी वो लोग धार्मिक नहीं है। समवेता युद्ध करने के लिए तो इकट्ठा हुए हैं, अब कोई युद्ध करने के लिए आया तो युद्ध ही करेगा, मारने मिटने के लिए आया। पर वो कहते हैं मामा कहा पांडव चैव, मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे जुड़ गए हैं, अब वो कर क्या रहे। तो एक व्यक्ति भूखा है, उनके सामने थाली आ गया, तो वो अब क्या करेगा, वो थोड़ी ना अभी नाचेगा गाएगा और प्रवचन देगा, वो तो पहले टूटेगा और खाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है धृतराष्ट्र के हृदय में भय और जो है परेशानी दिखाता है। और दूसरी बात है, धृतराष्ट्र भगवान का योजना समझा तो नहीं, तो उनको ये वो कह रहे कि मेरे बच्चे हैं और पांडव के बच्चे, और भगवान वहां पे सोच रहे अरे तू भी मेरा और पांडव भी मेरे और आप भी मेरे, आपके बच्चे भी मेरे, क्योंकि सबका मालिक एक है, तो तेरे मेरे कहाँ से हो गए। जहां पे तेरी है मेरी होगा वहां पे महाभारत होगा, क्योंकि सबका मालिक है। के दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तो धृतराष्ट्र परेशान है, तो संजय से पूछ रहे, संजय जो है उनके सचिव हैं और उनको अपने गुरुदेव जो कि व्यास मुनि का पूरा आशीर्वाद है, और व्यास मुनि के आशीर्वाद होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, उनको दृष्टि मिला है कि वे जो है दिल्ली में बैठकर हस्तिनापुर में रहकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है देख रहता है। आपका प्रश्न है कि मामा कहा आपके पुत्र और सब पुत्र में सबसे प्यारा दुर्योधन, तो दुर्योधन के बारे में बताऊंगा श्लोक नंबर 2 से लेके अब जो है श्लोक नंबर 11 तक। संजय वाच, सम्यक रूप में जो जय प्राप्त करता है, अर्थात सम्यक रूप में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के ऊपर जय प्राप्त है, उन्हें कहते हैं संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानी खम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वाचनम अब्रवीत। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो पुत्र है पांडवों की सेनाओं का रचना को देखकर सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, हम सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे युद्ध होता है तो हम दुश्मन का सैनिक का निरीक्षण करते हैं, अपना सैनिक का जो है निरीक्षण करते हैं। दुर्योधन डर गया और आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, उपसंगम्य नजदीक जाते हैं और इस प्रकार से कहने लगा, यानी कि दुर्योधन भी राजा होने चाहिए, उन्हें इशारा करना चाहिए और सच में उनको भीष्म पितामह को बुलाना चाहिए, वो क्योंकि कमांडर चीफ है इसका, पर वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। इसमें जो है बहुत सारा कूटनीति है, राजनीति है और जो है सारा नीति लगाते हैं, क्यों परेशान है, उनकी परेशानी उनके हरकतों से दिखाई पड़ रहा है। और परेशानी क्या, वो राजा बनना चाहते हैं, पर भगवान का योजना क्या है, युधिष्ठिर महाराज राजा, इसीलिए वो परेशान है। हम भी परेशान है क्योंकि हमारा योजना और भगवान का योजना अलग है। और वो कहने लगे पश्यताम पांडुपुत्रानाम आचार्यमादिं चमं व्यूढ़ं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे द्रोणाचार्य,
अब देखो पांडव पुत्रों का सेना का निरीक्षण, अब देखिए ये सेना, इनका जो सेना का निरीक्षण जो है रचना जो है, ये आपके शिष्य जो है द्रौपद के पुत्र, आपको पता था ना द्रौपद आपके दुश्मन है और उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया यज्ञ से, उनका नाम है धृष्टद्युम्न, वो आपको मारने के लिए उनका जो है जन्म हुआ है। तब शिष्य न धीमता, आपने सबके बुद्धिमान शिष्य ने ये किया, अर्थात आप मूर्ख हो, आपने उनको। तो इस प्रकार से कूटनीति राजनीति क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, तो परेशानी है क्योंकि उनका योजना भगवान के योजना से अलग है। अत्र शूर फिर वो कहते हैं खबर दुश्मन की, ये फौजों की भाषा है, जब युद्ध होते हैं तो खबर पहले दुश्मन की, मैं ये फौज का हिस्सा हूँ और मेरे दुश्मन का खबर, फिर खबर अपनी। तो भगवान बोलते अरे 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 अरे, आप अपने आप को कौरव क्यों क्यों समझ रहे हो, आप तो मेरे हो और आपका दुश्मन पांडव नहीं है, कौन है वो मैं तीसरे अध्याय में बताऊं, और आपके अपने जो है ये कौरव कौरव नहीं है वो मैं चौथे और पांचवें अध्याय में बताऊंगा। पर जब तक हम इन आंख संसार को भगवत गीता की आंखों से नहीं देखेंगे, हम कहेंगे कि मैं पांडु हूँ, या मैं कहेंगे कि मैं कुरु हूँ, या हम कहेंगे मैं मराठी हूँ, गुजराती हूँ, या अमेरिका हूँ, या और हम परेशान रहेंगे और हम कहेंगे कि वो मेरा दुश्मन है, तो भगवान तीसरे अध्याय में बताएंगे दुश्मन कौन है। तो खबर दुश्मन की, अत्र सूर महेश अस भीम अर्जुन समायुते युयुडानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। कहते हैं कि हमारी सेना में दुश्मन के सेना में भीम है, अर्जुन है, युयुडाना, विराट, द्रौपदश्च, ये सब जो है बड़े बड़े योद्धा हैं जो कभी युद्ध में हारे नहीं है। भीम का नाम लेते हैं क्योंकि वो डरा हुआ था। अभी देखिए दुर्योधन परेशान है क्योंकि परेशानी उनके हरकत और शब्दों में दिखाई पड़ रहा है। हम भी परेशान रहते हैं तो हमारे शब्दों और हरकत में दिखाई पड़ते हैं। परेशानी का कारण भगवान का योजना हमारे योजना से मिलता नहीं है, हमारा योजना भगवान के योजना से। दृष्टकेतुश्चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंतीभोजस्त सभ्यश्च नरपुंगवः। और इस प्रकार से बड़े बड़े योद्धाओं का नाम जो दुश्मन के पक्ष में, दृष्टकेतु, इसको अपना अपना दुश्मन माना भगवान। मैं तो तीसरे अध्याय में बताता हूँ, दूसरे अध्याय में बताऊंगा कि आप कौन है और तीसरे अध्याय में बताऊंगा आपके दुश्मन कौन है। तो यह है परेशानी का कारण। युद्धमनिश्च विक्रांत उत्तम जो च वीर्यवान सुभद्र द्रौपदश्च सर्व एव महारथा। और इस प्रकार से युद्धमन्यु, उत्तम जो और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और पांच द्रौपदी के पुत्र, ये सब जो युद्ध में लगे हुए थे और ये कभी जो है युद्ध में हारे नहीं। अस्माकांतु अब खबर अपनी, हाँ अस्माकांतु विशेष है ता ये तानि बोध द्विज उत्तमा नायक मम सैन्यश्च संजनार्थम तान ब्रवीमीते। हमारे सेना के जो रचना है इसमें ये भी कुछ कम नहीं है, मैं अब उसके बारे में बताता हूँ। हाँ खबर अपनी, तो भगवान बोलते हैं अरे अरे खबर अपनी, आपको पता होना चाहिए आपका अपना कौन है, वो मैं बताऊंगा चौथे अध्याय और पांचवे अध्याय में। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपा च समतीं जय असताम विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। दूसरे अध्याय में बताऊंगा कि आप कौन है, तीसरे अध्याय में बताऊंगा कि आपका दुश्मन कौन है, चौथे में और पांचवे में बताऊंगा आपके असली साथी कौन है। पर जब तक भगवत गीता की आंखों से नहीं देखे, हम बोलेंगे हम हमारे परिवार वाले मेरे अपने हैं, वो दुश्मन है नहीं, ये परेशानी का कारण है। भगवान का योजना नहीं समझने के कारण ये सब गड़बड़ होता रहता है। भीष्म कर्ण कृपा अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त वृषभ, ये बड़े बड़े योद्धा जो है कूटनीति राजनीति से भरा हुआ ये दुर्योधन का, क्योंकि वो परेशान है, परेशानी का कारण भगवान का योजना को ना समझना। अन्यच्चा बहुव सूरा मत अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारा न सर्व योद्ध विशारदा। अब बता रहे हैं कि और भी बहुत सारे योद्धा हैं, नायक हैं, जो सब मत अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने जीवन को प्राण को त्याग देंगे। अच्छा इसमें जो है सरस्वती का सारस्वत अर्थ, यानी कि सरस्वती देवी जो है दुर्योधन के जीवा में बैठती है, वो कहते हैं मत तिक्त मद अर्थ तिक्त जीविता, यानी कि ये लोग युद्ध में आएंगे मरेंगे। ये ऐसा युद्ध है, धर्म का युद्ध है, इसमें दो ही चीज होता है, इसमें या तो जिंदा रहेंगे जीतेंगे और जिंदा रहेंगे, नहीं तो
मरेंगे। हाँ, तो कहते मद अर्थ त्यक्त जीविता, इसका अर्थ है कि वो लोग मरेंगे मरेंगे, जो हारेंगे वो मरेंगे और कोई वापस नहीं आने वाला है। जो जो जीतेगा वो जिएगा, जो मरेगा वो हारेगा। तो मद अर्थ त्यक्त जीविता का अर्थ होता है कि वो लोग मरने वाले हैं, अर्थात हार किसका होगा, मरने वालों का यानी कि दुर्योधन का। तो इस प्रकार से आगे बोलते हैं कि हमारा सेना बहुत बड़ा है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम्, पर्याप्तम तव इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम्। अच्छा, अभी जो है मस्का पॉलिस लगाना था, द्रोणाचार्य को लगा दिया, अभी भीष्म पितामह को मस्का पॉलिस लगा। ये सब करने की जरूरत नहीं, वो राजा है पर वो परेशान है, इसीलिए उनके हरकत और उनके वाणी से पता लग रहा है। बोला कि हमारी सेना जो है उसमें अपर्याप्त शक्ति है, बल है, क्योंकि हमारा सेना का रचना जो है कमांडर चीफ भीष्म पितामह है, जो कि 456 साल का युद्ध का अनुभव रखता है, और पांडवों का जो सेना है वो जो है भीम के द्वारा अभिरक्षित है, और भीम जो है वो उसके पास ज्यादा जो है अनुभव नहीं है। और इस प्रकार से अभी भीष्म पितामह देख रहे हैं, अरे 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 अरे, अरे मेरा पोता ये जो कौन है दुर्योधन, बहुत परेशान लग रहा है। फिर भी अब जो है वो कह रहे सब पूरे सेनाओं को, अन्ये अयानेषु च सर्वेषु यथा भागान अवस्थिता भीष्मन् अभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सबको सावधान करता हूं कि युद्ध आरंभ होगा तो सबसे पहले भीष्म पितामह के ऊपर हमला किया जाएगा। सभी से निवेदन करते हैं, भीष्म पितामह अपने युद्ध में लगे रहेंगे, पर आप लोग आजू बाजू से उनका उनके ऊपर ध्यान रखना, कोई हमला ना पीछे से या बाजू बाजू से ना करें, इस प्रकार से उनको सुरक्षा पहुंचाइए। अब भीष्म पितामह बोलता है, अरे 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 अरे, ये बोले जा रहे, इतने परेशान लग रहा है, इनकी बातों को मुझे सुनना नहीं, मुझे कृष्ण के पवित्र ध्वनि को सुनना है, पर मैं सबसे सीनियर हूँ, सबसे पहला मैं जब शंख बजाऊंगा तो उत्तर में कृष्ण जो है शंख बजाएंगे। वो ध्वनि को सुनने के लिए मेरा कान आतुर हो रहा है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, इसकी बकवास कौन सुनेगा। अब शंख उठाते हैं, बजाते हैं, बहुत सुंदर शंख बजाते हैं, उसका वर्णन। अच्छा, 12 दूसरे भाग में, 12वें श्लोक से लेके 19 नंबर श्लोक में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है, किस प्रकार से जो है संजय अब बोलते हैं मामा कहा हो गया आपके पुत्र के, अब पांडव के पुत्र के बारे में। और पहली बात बताते हैं कि जीत किसका होगा, पांडवों का होगा। अब लक्षण बताते हैं क्यों होगा। अब देखिए बात, हमने देखा धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान, अब संजय जो है परेशान नहीं है, क्योंकि उनको भगवान का योजना पता है और भगवान के योजना के साथ संजय ने अपना योजना बनाया, इसलिए संजय परेशान नहीं। अब जो है वो करते हैं, तस्य संजयान हर्षम कुरु प्रिद्ध पितामह सिंहनाद विनोदय शंखदत्तम प्रतापमान। अब उन्होंने एक शंख बजाया, जैसे सिंह का जो है गर्जन होता है और जंगल में सब लोग कांपने लग जाते हैं, और जो है उन्होंने जैसे शंख बजाया, शंखदत्तम प्रतापमान, प्रतापी था, और इससे जो है किसको हर्ष हुआ, दुर्योधन को जो है, कुरुवृत्त पितामह तस्य संजय, उनको प्रसन्न करने के लिए बजा। पर ये बहिरंगा कारण, अंतरंगा कारण यह था कि वो कृष्ण के ध्वनि को सुनना चाहता था, और इस प्रकार से शंख बजाया। पर एक चीज याद रखना था, शंख का जो बजना होता है, घंटी का जो बजना होता है, बंगाल में हम गए थे तो उलू ध्वनि होता है, ये सब जो है पवित्रता का, धर्म का प्रतीक है, अर्थात शंख का बजना धर्म को बल देगा, अर्थात जीत जय धर्म के पक्ष पांडवों का होगा। उसके बाद तथा शंख च भैर्यश्च पावक गोमुख सहस एवं सशब्द तुमुल अभवत्। इस प्रकार से वहां पे शंख बजे, बड़े बड़े ढोल बजे, फिर किसी ने भोंपू बजाया, किसी ने छोटा भोंपू बजाया, किसी ने जो है अलग अलग प्रकार के जो है ध्वनियों को से वहां पे जो है जोश पैदा करने के लिए जो है आवाज निकाले, क्योंकि ये युद्ध है,
ये कोई रास लीला का स्थान नहीं है, कुरुक्षेत्र लीला है। यहाँ पे डांडिया वांडिया नहीं नचा है, अरे कृष्ण यहाँ पे मरने मराने के लिए, उसके लिए खून जो है उबलना चाहिए। फौज भी होता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, मारो हाँ काटो पीटो चिल्लाना पड़ता है दावा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आवाज निकालने से जो व्यक्ति युद्ध में रहते हैं वो मरने मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। और ये क्षत्रिय जो है इस प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। अगर इस वातावरण में कोई और रहेगा जिनको फौज का अभ्यास नहीं है, उनका जो पतलून या धोती या पैंट आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा और नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा, इतना भयावह रहते हैं, मारो काटो। तो इस प्रकार से अब जो है कौरवों ने भी शंख बजाया, पर शंख का बजने का अर्थ होता है किसका जय होगा, धर्म का अर्थात पांडवों का। तथा श्वेतिर्युक्ते महातीन शांतने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदत्तमतो। अब पांडव के पक्ष में शंख बज रहा है, कृष्ण का शंख का नाम, अर्जुन का शंख का नाम, भीम का शंख का नाम, युधिष्ठिर का, नकुल सहदेव का शंख का नाम, छह शंखों का नाम बताते हैं और कहते हैं दिव्य शंख। वहां पे दिव्य शंख नहीं, क्योंकि इनके शंख बजने से पूरे जगत का कल्याण होगा, इसको कहते हैं दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है वो कार्य जिससे पूरे जगत का, हर जीव का, इसमें दुर्योधन का भी हित होगा। तो इस प्रकार से ऐसे शंख बजे, तो अब जो है दिव्य शंकर, और कौन बजा रहे, पांडव माधव यानी कि लक्ष्मी के पति, माँ लक्ष्मी के पति माधव कहते हैं। तो पांडव अर्जुन, तो इन लोग शंख बजते हैं तो दिव्य शंकर कहते हैं। दूसरे पे जिस जगह पे माधव पांडव होते हैं वहां पे जय होता है। मामा का पांडव जहाँ पे हम बोलने लगेंगे वहां पे महाभारत लड़ाई झगड़ा होगा, हम भगवान और भगवान का भक्त होगा वहां पे जय होगा, शांति होगा, सुख होगा। और जहाँ पे मेरा तेरा होगा वहां पे महाभारत होगा। तथा श्वेतिर, वहां पे सफेद चार घोड़े में युक्त एक रथ था और उस रथ में जो है भगवान कृष्ण सारथी बने हुए, क्या बात है हा? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया पौंड्रदम महा शंकम भीम कर्म वृकोदरा। तीन शंखों का नाम लेते, पांचजन नाम का शंख कृष्ण ने बजाया, ऋषिकेश जो सबके जो है इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश, देवदत्तम देवदत्त नाम का शंख किसने बजाया, धनंजय जो जन संग्रह करके आया था, पौंड्र नाम का जो शंख है महाशंख वो भीम कर्म विकोदर, विकोदर यानी कि भीम का भयंकर कर्म करने वाला वृक नाम के अग्नि जो कि 20,000 हाथियों का खाना को पचाने का शक्ति रखता है, भीम ने बजाया। तीन शंख का नाम यहाँ बता दिया, अब जो है वर्णन आएगा और तीन शंख का नाम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठरा नकुल सहदेवश्च सुगोष मणि पुष्पका। अब अनंत विजय नाम का जो शंख है वो युधिष्ठिर कुंती पुत्र ने बजाया, नकुल और ने सुगोष नाम का शंख बजाया, सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। अब बाकी औरों ने भी शंख बजाया, उसका भी वर्णन आ रहा है। काश्यश्च परमेश्वर सा शिखंडी चा महारथा दृष्टद्युम्न विराटाश्च सात्यकी चा परजिता। यहाँ पे जो नाम बताया जा रहा है इस पे ध्यान देंगे, शिखंडी वो है जिनका जन्म हुआ है भीष्म पितामह का मृत्यु करने, दृष्टद्युम्न वो है जिनका जन्म हुआ है किसको मारने के लिए द्रोणाचार्य का, और सात्यकी इत्यादि जो है वो कभी हार नहीं माने। यानी कि दूसरे शब्दों में कहते हैं कि दुर्योधन के पक्ष में बड़े बड़े योद्धा क्यों ना हो पर हार किसका होगा, अब मरेंगे कौन, वो लोग ही मरेंगे और हार भी उनका ही होगा। द्रोपद सर्वश पृथ्वी पते सुभद्रश्च महाबावो शंख दद्म पृथक पृथक। और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाया और ये सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया और इनके शंख जो है बजने लगे। और शंख जब बजता है तो धर्म का प्रतीक होता है, दूसरे शब्दों में धर्म के पक्ष में जो होंगे उनका जीत होगा अर्थात पांडवों का जीत होगा। सगशोधित धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्या
धरायत नाभश्च पृथ्वीश्चैव तुम लो अभयानु अदयां। अब जो है उस वर्णन आता है कि जब कृष्ण और पांडवों ने जब शंख बजाया तो इतना 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 जो है शंख का प्रभाव पड़ा कि अधर्मी जो कौरव थे उनके हृदय फटने लगे। हाँ, हृदयानी व्याधराति, उनका हृदय फटने लग गया, वो लोग डर गए, हृदय फट गया, नाभास आकाश जो है फट गया, पृथ्वी कांपने लग गया, इतना जो है प्रभाव था। अब और यह आवाज तो बहुत था और हृदय फट गया, यानी कि वो लोग डर गए। हिंदी में कहावत है, जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हर गया। तो अब ये साफ है कि जीत किसका होगा, पांडवों का। संजय विचलित नहीं है क्योंकि उनको भगवान का योजना पता है। अब देखते हैं कि कौन कौन विचलित है, कौन कौन परेशान है। दुर्योधन परेशान है और धृतराष्ट्र परेशान है क्योंकि भगवान का योजना समझ नहीं पा रहे। अब जो है हम देखेंगे अर्जुन भक्त तो होते भी परेशान, ठीक है देखते हैं। अर्जुन जो है अभी परेशान नहीं है, वो भी सैन्य निरीक्षण करना है, बोलता है, वो कहते हैं कि मैं पांडु हूँ और कौरव मेरे दुश्मन है, खबर दुश्मन की, और भी पांडु के पक्ष में जो है खबर अपनी। तो भगवान बोलते हैं, अरे 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 आप कौन हो मैं दूसरे अध्याय में बताऊंगा, और आपके दुश्मन कौन है मैं तीसरे अध्याय में बताऊंगा, आपके अपने कौन है चौथा और पांचवें में बताऊंगा। रुको, इस संसार को जब हम इन आंखों से देखेंगे तो हम कहेंगे कि मैं अमेरिका का हूँ, मैं जापान का हूँ, या हिंदू हूँ, या पाकिस्तान। ये परेशानी का कारण आगे बन जाता है। और फिर बोलते हैं वो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, मुसलमान हमारा दुश्मन, ये दूसरा परेशानी का कारण। कौन दुश्मन है वो तीसरे अध्याय में पता लगा, और चौथे अध्याय में बताएं और पांचवें में बताएं कौन अपने हैं। हम बोलेंगे नहीं, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त अपने, नहीं पर कौन अपने हैं वो बताया जाएगा। तो भगवद गीता के आंखों से जब देखेंगे हमें पता लगेगा कि हम कौन हैं, फिर जीवन पूरा बदल जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगा, भगवान का योजना पता लग जाएगा। अर्जुन को भगवान का योजना पता है कि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, तो अर्जुन अभी 20 नंबर श्लोक से लेके 27 में युद्ध करने के लिए तैयार है, इसलिए वो शांत है। अब जो है कुछ देर के बाद उनका वो भगवान के योजना से उनका जैसे ही मन अलग हो जाता है, परेशानी आरंभ होता है। अर्थात अगर हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम थोड़ा सब कुछ ठीक चल रहा है, मन शांत है, तो समझ लें अनजाने में हमारा योजना भगवान के योजना से मिल गया। पर भक्तों समय नहीं लगता है, योजना हमारा भगवान से अलग हो जाता है, फिर परेशान भयंकर आता है। अर्जुन के साथ ऐसे ही होता है। अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपि ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपत्ते धनुर्उद्यम या पांडव। संजय अभी अर्जुन को चुनते हैं क्योंकि संजय को भी अर्जुन अच्छा लग रहा था, और कृष्ण भी साथ में, तो कृष्ण और अर्जुन के नजदीक आते हैं। अच्छा, और एक संकेत देते हैं, इसमें जो है हनुमान का ध्वज भी लगा हुआ है, और हनुमान ने वादा किया था कि भीम से कि जब भी आप खतरे में होंगे, मेरे भाई वायुपुत्र, हाँ पवन पुत्र भीम, मैं भी पवन पुत्र हूँ, मैं भी वायुपुत्र हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा। और जहाँ जहाँ पे हनुमान और राम था वहां पे जीतता, और रथ के ऊपर हनुमान का ध्वज था और हनुमान वहां पे खड़े थे, और वो लड़ाई तो नहीं करेंगे पर उनके हुंकार से भीम और पांडवों को बल देकर, और कृष्ण भी है, तो जीत किसका होगा, पांडवों का। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन आता है, अत व्यवस्था अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपि ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपत्ते धनुर उद्याम य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आ महीपते। अब जो है इस प्रकार से वो कृष्ण वो अर्जुन जो है ऋषिकेश से ऐसे बातें कहने लगे, महीपते। अब भगवान को आदेश दे रहे हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, यानी कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है, यानी कि उनके करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है, उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। अर्जुन ने कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रतम स्थापय मे अच्युता यावदे तन्निरीक्ष्य अहम् योद्धा कामम् अवस्थितान् खेर्मया सह योद्धाभ्यम् अस्मिन् रण समुद्यामे। सैन्य निरीक्षण हो रहा है ना, खबर मैं कौन हूँ,
खबर दुश्मन की खबर अपनी, वो बोल रहे मैं पांडु हूं, मैं खबर दुश्मन का लेता हूँ, ऐसे स्थान पर लेकर जाओ सेना के बीच में, मैं देखना चाहता हूँ ये कुरुपक्ष के और से कौन कौन लड़ने आए, मैं खबर दुश्मन का देखता हूँ और अपने देखता हूँ। और भगवान इतने दयालु हैं, अपने भक्त के जो है सारथी बने, और जैसे ही बोले तो रथ लेकर के, वो ये नहीं कहे मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूँ, मैं कैसे आपके आदेश मानूं, मेरा प्रोफाइल का क्या होगा, मेरा जो है फैन फॉलोइंग का क्या होगा, नहीं भगवान भक्त पराधीन है, भगवान जो है तुरंत रथ लेकर गए, वो कंप्लेन नहीं किए, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मेरा पूजा लाभ प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरा व्यूअरशिप कम हो जाएगा, अरे नहीं भगवान को मालूम है मैं हमेशा से जो है फेमस था हूं और रहेगा, पर भक्त का सेवा करने में उनका आनंद आता है। योचामानां अवेक्षाहम् यथा एते अत्र समागता दात्रस्त्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकित्सवा, दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में जोन जोन आए हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र के दुर्योधन दुर्बुद्धि उनके साथ देने वाले कौन कौन है, मैं वो देखना चाहता हूँ। दोनों सेनाओं के बीच में छाती थान कर बोले लेके जाओ रथ को, भगवान बोलते अरे रे 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 अर्जुन सावधान हो जाना, आप अपनों को देखकर जो है अपने अपन बढ़ाओगे और युद्ध करना भूल जाओगे, नहीं मैं देखूंगा, बोला अच्छा बच्चा मैं दिखाता हूँ। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोर्भयोर् मध्ये स्थापित उत्तम रथ को, जो है चार सफेद घोड़े से युक्त अग्निदेव के द्वारा गया गया रथ है, वो रथ को लेकर गए और सेनाई और उभय और मध्य दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए, भगवान बोला सावधान, बोला कि नहीं मैं देखता हूँ। तो अर्जुन पूरे जोश में था और खबर दुश्मन की, भगवान बोलते अरे आप मेरे हो और दुश्मन कौन है, मैं तीसरे अध्याय में बताऊंगा और अपने और कौन है वो चौथे और पांचवें बताता हूँ। भीष्म द्रोण प्रमुख कातः सर्वेषां च महीसितं वाच पार्थ पश्येतान् समावेतान् कुरुनिति, इस प्रकार से सेनाओं का निरीक्षण करने लगे और भीम भीष्म द्रोण सभी को देखकर बोला सावधान, भगवान बोलते हैं सावधान अर्जुन आप युद्ध करना छोड़ दोगे, कुरु कर्तृत्व, बोला नहीं नहीं मैं, और भगवान ने ऐसे रथ को लगा कि सामने नजर डालते ही उनको अपने गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म दिखाई पड़े और जो है कृपाचार्य दिखे, फिर जो है उनका हृदय पिघल गया, फिर भगवान अभी तक तो जोश में है इसलिए फिर उसका अर्जुन जो है थोड़ी देर में उनका योजना बदल जाएगा और तब उनका परेशानी चालू होगा। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृन अतः पितामह आचार्यन मातुलम् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सत्ता श्वशुर सुहृदश्चैव सेनयोर् उभयोर् अपि, अब जो है अर्जुन देख रहा है मेरा पिता जैसे मेरे पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य, मेरे मामा मेरे भाई मेरे पुत्र जैसे मेरे पौत्र जैसे मेरे दोस्त और मेरे ससुर और मेरे सगे संबंधी यहां पे लड़े, मैं इनसे लड़ूं कैसे, अभी उनका योजना बदलने वाला है और परेशानी शुरू होने वाला है। तान समीक्ष शया चा कौन्तेया सर्वान बंधु अवस्थितान कृपया पराया विस्तो विसीदाम इदम अब्रवीत, अर्जुन को गुड़ाकेश करके संबोधित होते हैं, गुड़ का अर्थ होता है निद्रा और गुड़ का अर्थ होता है अज्ञान, गुड़ाकेश का अर्थ होता है निद्रा के ऊपर अज्ञान के ऊपर जिन्हें जय प्राप्त किया, पर किसी कारण से भगवान की योजना से वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और अर्जुन कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं, वो भगवान जो है अपने भक्तों का इंद्रियों का अपने वश में रखेंगे। तो पर भगवान का योजना था कि अर्जुन थोड़े दिन के लिए विचलित हो जाए, अब वो अर्जुन जो है भगवान की योजना के अनुसार विचलित हो जाते हैं, विसिन्दन्तम् इदम् अब्रवीत, अब वो कहने वाले हैं कुछ, अब परेशानी शुरू हो जाए क्योंकि इनका योजना जो है भगवान की योजना से अलग हो गई। जैसे ही हमारा योजना भगवान की योजना से अलग हो गया हमारा हाल बेहाल हो जाए, कितने भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी उनका बड़ा नाम क्यों ना हो,
कितने भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, हिम्मत वाला क्यों ना हो, खतरे के खिलाड़ी ना, वो जो है उनका हाल बेहाल हो जाएगा। अर्जुन का सर चकराने लग गया। 28 से लेके 46 तक इन बातों को बताया जाएगा, अर्जुन का हाल बेहाल क्या गया। अब जो है अर्जुन कहता है कि पांच कारण बताता है। पहला करुणा, वो शरीर वो जो है उनका जो है दया जो है शरीर के लिए, वो जिंदा होना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए, मैं उनको हंसते खेलते हुए देखना चाहता, पर वो आत्मा का चिंता नहीं करते। हमारा ध्यान जो है, ये दूसरे अध्याय का विषय है, फिर भी अर्जुन के अंदर करुणा आ जाता है, दया आ जाता है, और कहते हैं कि मैं अपने संबंधी से लड़ूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम कभी कभी जो है भक्ति इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मेरे घर वाले वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही रहूंगा, वो मंदिर नहीं आते तो मैं भी मंदिर में नहीं आऊंगा। इस प्रकार से हम भगवान का भक्ति कर्तव्य को नहीं करते। पर फिर जो भी है, अर्जुन पहला कारण देते हैं। अर्जुन वाच दृष्टे माम स्वजना कृष्णा युयुत्सम समुपास्थितम सिद्धंती मम गत्राणि मुखम च पर्युषयति। अब पांच लक्षण गिनते जाना। सिद्धंती च मम गत्राणि, मेरे जो है शरीर का अंग प्रति अंग कांपने लग गया और मेरा मुंह सूखने लगा। जैसे जो है कभी कभी हो जाता है ना, पढ़ाई तो अच्छे किए हैं पर किसी कारण से जो है डरने लग जाते, तैयारी ठीक से नहीं करते तो एग्जाम का पेपर आता है तो पहला हाथ कांपने लग जाता, मुंह सूखने लग जाता है। या मान लो कि कोई इंस्पेक्टर है, आतंकवादों को गोलियों से भून भून के मार रहा है पर अपने ही बेटा आतंकवादी के रूप में कर्तव्य पालन करने में देरी लग जाता है, उनके हाथ कांपने लग जाते, मुंह सूखने लग जाते है ना, अपने बेटे को मार नहीं पाता क्योंकि रिश्ता रिश्ता है। जज जस्टिस चौधरी सबको जो है कचा कच कचा कच जेल में डालते हैं, फांसी का फंदा देते, पर अपना ही बेटा अब जो है इस कोर्ट में आ गया है, कचहरी में आ गया है, तो लिखने में उनका हाथ कांपने लगे, मुंह सूखने लग जाता है। इसी प्रकार से अर्जुन का भी वेपु वेपातुश्चा शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं सं सस्ते हस्ता चैव परिदाह्यते। उनके जो है वेपत शरीर में उनका पूरा शरीर कांपने लगा, ये तीसरा लक्षण। रोम हर्ष उनके रोंटे खड़े हो गए, मैं अपने ही लोगों को मारने वाला हूँ, और उनके हाथ से जो गांडीव था उनका, जिसके ऊपर उनका गर्व था, ये गांडीव को कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सके, वो हिलने लग गया, फिसलने लग गया और उनका शरीर के चमड़ी जो है जलने लग गया। यहाँ पे चार और लक्षण, छह लक्षण बताए। जस्टिस चौधरी का भी पेन जो है पूरा शरीर कांपने लग गया, उनके रोंटे खड़े हो गए और उनका पेन हिलने लग गया और उनका त्वचा त्वक यानी कि पूरा चमड़ी जलने लग गया। वो इंस्पेक्टर ईगल का अभी गन हिलने लग गया, उनके शरीर कांपने लगा, बेटा को कैसे मारूं, रोंटे खड़े हो गए, मेरी दीदी क्या कहेंगी, उनकी माँ क्या कहेंगे, और गन हिलने लगे और रोंटे खड़े हो गए। तो इस प्रकार से तैयारी एग्जाम का ठीक नहीं होता है, वो स्टूडेंट का पेन कांपने लगा, उसका स्किन जलने लग जाता है और शरीर कांपने लग जाता है, रोंटे खड़े। इतना ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया। फिर और एक लक्षण बता, नासक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्मा इत्वा च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। ये युद्ध में लड़ नहीं सकूंगा, मेरा सब जो है चकरा रहा है, मैं यहाँ पे जो है सब विपरीत देख रहा हूँ। हे केशव, आपने केशी नाम का राक्षस को मारा, अपने रिश्तेदारों को तो नहीं, आप मुझे रिश्तेदारों को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? केशी, आप बोलो राक्षसों को मारने में मार सकता हूँ मैं, और खड़ा नहीं रख सकता हूँ, मेरा सर चकराने लगा। इस प्रकार से सात लक्षण बता रहे, चाहे वो जस्टिस चौधरी हो या इंस्पेक्टर ईगल हो या वो विद्यार्थी जो तैयारी ठीक नहीं हो, सबका हाल बेहाल हो जाता है। ये संसार बनाया भगवान ने ऐसे कि अच्छे से अच्छे का भी जो है हाल बेहाल हो जाता है जब योजना अलग हो जाता है। तो योजना को जानना चाहिए, भगवान का योजना अलग होने के कारण वो जो है परेशान था। नाचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सा जना आहवे नाकांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुख नीचा। अब कहते कि मेरे रिश्तेदार के साथ में नहीं रहेंगे तो इतना बड़ा राज्य लेकर भी मैं किसके साथ खुशियां बांटूंगा,
खुशियां बांटने की बात आता है तो हम अपने के अपनों के साथ बांटते हैं। देखिए कभी कभी लोग बड़े बड़े कार क्यों लाते हैं, वो अपने रिश्तेदार को दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अमीर हो गया, मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कितना, पर देखने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर वो ये सब करेगा नहीं, है ना। तो बोलो ये मैं इतना बड़ा राज्य जीत भी लूंगा तो दुर्योधन धृतराष्ट्र भीष्म पितामह रहेंगे तो ये सब किसको मैं दिखाऊंगा, तो ये किसके साथ मैं खुशियों को बांटूंगा, तो ये दूसरा कारण है वो युद्ध नहीं करने का। तो इसे कहते हैं किमनो राजन गोविंद किम भोगे जीविते न वा येषाम 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 अर्थे कांक्षिताम नो राज्यम भोगे न सुख नीचा ताई में अवस्थिता युद्धे प्राणम त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पौत्र तथैव च पिता महा मातुल ससुर पौत्र शाल संबंध दिनस्तता एतान न हन्तुम इच्छामि न तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नो मही कृते निहत्या तत्राष्ट्रान्ना का प्रीति जनार्दन। हे कृष्ण आप जनार्दन हो यानी कि जनों को पालन करते हो, आप जन मरादन क्यों कर रहे हो, जन को मारने के लिए क्यों? तो हे कृष्ण आप मधुसूदन हो, मधु नाम के असुर को मारा था, अपने रिश्तेदारों को नहीं मारा, आप मुझे रिश्तेदारों को मारने के लिए क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं इतना बड़ा राज्य भी लूंगा, या राज्य तो राज्य तीनों लोक भी मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा, तो मैं खुश नहीं रहूंगा कि मैं मेरे मेरे जो आचार्य हैं, मेरे जो पिता हैं, मेरे पुत्र जैसे जो हैं वो लोग नहीं रहेंगे, मैं खुशियों किसके साथ बांटूंगा? मामा नहीं रहेंगे, ससुर नहीं रहेंगे, मेरे छोटे छोटे पोत्र नहीं रहेंगे, तो खुशियों को ये सब संपत्ति मिलके खुशियों किसके साथ बांटूंगा? नहीं, मधुसूदना आप जो है असुरों को मारने के लिए, रिश्तेदारों को मारने के लिए मत कहो मत कहो, और आप जनार्दन हो, जन का पालन करने हो, जन मरादन मारने के लिए क्यों कह रहे हो? बदल दो योजना को, बदल दो, भगवान योजना नहीं बदलेंगे, हमको अपना योजना बदलना पड़ेगा। हम माने हमारे योजना भगवान की योजना से अलग होने के कारण हम जो है दुखी हो जाते। तीसरे कारण जो है अब अर्जुन कहते हैं नहीं, पाप लगेगा, मैं नहीं करूंगा, अपने रिश्तेदारों को पितामह को मारना पाप है तो इसीलिए मैं नहीं करूंगा पापान। अभी देखिए भगवान के योजना से हमारा योजना अलग हो जाए, हम कुछ भी करें, शीर्षासन करें या सर्वांगासन करें या पानी के अंदर जाए या हवा में जाए, कुछ भी करें परेशान रहेंगे, हमें केवल अपना योजना को भगवान के योजना से मिलाना चाहिए। पापान एवा श्रेयाद आसमान हत्वा एतान आतात ताइना ताशानारह वयम हन्तुम दात्राष्ट्रान सा बंधवान स्वजनम ही कतम हत्वा सुकिनी श्याम माधवा। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हे श्याम हे माधवा आप जो है पुण्य कार्य को बढ़ाने के लिए कहो, मैं पुण्य कार्य करूंगा, पर ये पाप के कार्य में क्यों मुझे जोड़ रहे हो? बड़ों को मारना तो दूर की बात, बड़ों के सामने चिल्लाना भी बड़ा पाप है, ये लोग जो है क्यों मुझे अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए कह रहे हो? ये आतताई धृतराष्ट्र धातराष्ट्र संबंध इन सब स्वजनों को मारने के लिए आप मत कहो, क्यों मुझे इन सबको मारने के लिए कर रहे हो? तो अर्जुन कह रहे हैं कि पाप लगेगा, ये पाप के कार्य में क्यों लगा रहे हो माधव? आप माधव हो, पुण्य कार्य में मुझे लगाओ। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ पाहता चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे चा पातकम कतम ना जाने अस्माभि पाप अस्मान् निवर्तितम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपाश्य भीर जनार्दना। ये जनार्दन आप जन का पालन करने वाले हो, आप पाप आप मारने के लिए क्यों कह रहे हो? मान लिया कि ये लोग उनके मन में लोभ आ गया है, उनके अंदर जो है लोभ आ गया और वो पाप में लगे, पर हमारे जो पता मन में कोई लोभ नहीं है, हम क्यों पाप कार्य में लगे? कृष्ण अपनी योजना को बदलो, पर कृष्ण का योजना हमेशा सही होता है, पर हमें अपना योजना को बदलना चाहिए, है ना। भगवान का योजना हमारे लाख इच्छाओं से
योजनाओं से श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान को अपना योजना को बदलने के लिए नहीं कह रहे, हमें अपना लाख योजना को बदल के भगवान के एक योजना को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन जो है परेशान है, ये परेशानी इसीलिए का अलग अलग जो है दृष्टि से संजय बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम भले अच्छे हैं पर भगवान की योजना से हमारा योजना अच्छा है। हम कुछ भी करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, पानी में जाए, हवा में जाए या फाड़ में जाए, कुछ भी करें, हम जो है कभी प्रसन्न नहीं है। हमें अपना योजना भगवान की योजना से मिलाना चाहिए। और चौथा कारण कहते हैं कि इस युद्ध में बड़े लोग मर जाएंगे तो स्त्रियां जो है छोटे जो हैं वो असहाय हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, और स्त्रियों को जो है इस संसार के लंपट लोग जो है क्या कर लेंगे, बुरे नजरों से, मीठे बातों से अपना बनाएंगे, उनकी पवित्रता को भंग कर देंगे। कुलशय प्रण शांति कुल धर्म सनातना, धर्म नष्टे कुल कृष्णम अधर्मो अभिभाव वत्ति उत्थ। अब इस प्रकार से इस युद्ध के सारे पुरुष लोग मरेंगे तो बच्चे और स्त्रियां जो है लंपट लोगों के कब्जे में आ जाएंगे, मीठे बातों में वो स्त्रियों को अपवित्र कर देंगे, स्त्रियां अपवित्र हो जाएगी तो अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्मा भी भावत कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्ट सुवार्ष्णया जायते वर्ण शंकरा। और ये लोग स्त्रियों का पवित्रता भंग करेंगे और उनके साथ शरीर के शारीरिक संबंध बनाएंगे, बच्चे जो उत्पन्न होंगे उनको पता नहीं होगा कि उनके पिता कौन होंगे, और ऐसे बच्चे जो है नालायक कहते हैं इंग्लिश में उनको, बास्टर्ड्स कहते हैं, उनका जन्म हो जाएगा जिनको पता नहीं कि उनके पिता कौन है। ऐसे लोग तो शंकरो नारकाय एव कुलज्ञाना कुलशया पतंति पित्रो ही एषां मुक्तो पिंड उदक क्रिया। ऐसे जो बच्चे हो जाएंगे जो नालायक है, बास्टर्ड्स है, वो लोग जो है धर्म के कार्य में नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, और पितरों को उद्धार करने के लिए श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे, लुप्त पिंड उदक क्रिया वो सब लुप्त तो हो जाएगा। आप ये कार्य में क्यों कर रहे हो जिससे कि पूरा कुल हमारा बर्बाद हो जाएगा। कृष्ण अपने योजनाओं को बदलाओ, नहीं, भगवान के योजना हमारे लाख योजनाओं से श्रेष्ठ होता है। जब तक हमारा योजना भगवान की योजना से नहीं मिलेगा, हम कितने भी कारण बताएं हम परेशान रहेंगे। हमारा योजना भगवान की योजना से मिलना चाहिए, नहीं तो हम कुछ भी करें परेशान रहेंगे। दोषेर एते कुलज्ञानान् वर्णशंकरा कारके उत्साद्यान्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। इस प्रकार से पूरे कुल के धर्म जो नाश हो जाएंगे, अनवंचित बच्चे जन्म लेंगे और परिवार का जो है प्रगति वो तहस नहस बर्बाद हो जाएगा। कृष्ण ऐसे कार्य में आप मत लगाओ मुझे। उत्साना कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दना नारके नियताम वासो भवात इति अनुशुष रूमहा। इस प्रकार से ये जो है नरक जा के और सारे सब जाएंगे, और हमारे पितर भी नरक में जाएंगे, हमारे परिवार भी नरक में जाएंगे। अब जन आर्दन हो, जन का पालन करने वालों, आप जन मरादन क्यों पालन करने के लिए कह रहे हो, मारने के लिए क्यों कह रहे हो? कृष्ण अपने योजना को बदल दो। कृष्ण का योजना हमारे लाख योजना से श्रेष्ठ है, हमें कृष्ण के योजना को स्वीकार करना चाहिए, तब हमारी परेशानी दूर। आज हम, आप, अर्जुन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र परेशान इसलिए क्योंकि उनका योजना भगवान के योजना से अलग है। हमें अपना योजना को भगवान के योजना से मिलाना चाहिए। अहो बता महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुखम लोभेन हन्तुम स्वजना उद्यते। कितना विचित्र बात है, वो लोग लोभी हैं और पाप में के कार्य में लग रहे हैं, पर हम जो है लोभी नहीं है, हमें पाप के कार्य में नहीं लगना चाहिए। आप बदल दो ना अपना योजना। नहीं, यदि माम, अभी अर्जुन जो है पूरी तरह से विचलित हो रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा मुझे करना क्या है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, परेशानी में हमें पता नहीं लगता करना क्या ना क्या नहीं करना। यदि माम अप्रतिकाराम
अशास्त्रम शास्त्र पानया दात्राष्ट्रे हन्युस तान्मे शे मातरम भवेत। मैं इस तो अच्छा बात है, मैं युद्ध के लिए तो आया हूँ, पर मैं क्षत्रिय हूं, मैं दुश्मनों से लड़ूंगा, मारूंगा, काटूंगा। पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं अब लड़ाई नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य से वो च्युत हो रहे हैं और वो बोल रहे कि मैं नहीं हत्या रहूंगा, भले वो मुझे काट दे पर मैं लड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है पूरी तरह से विचलित है, विचलित होने के कारण, परेशान होने का कारण इतना ही है कि अर्जुन का योजना भगवान की योजना से अलग हो गया। हम विचलित है, परेशान है, इतना ही कारण है कि हमारा योजना भगवान की योजना से अलग हो गया। संजय वाच एवं उक्त अर्जुन ना सांके रतोपास्ता विसता विसृज्य सासाराम चापम शोक संविघ्न मानसा। और भगवान की योजना से कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़े बड़े व्यक्ति भी हो, वो शोक सिर जो है उसका हृदय भर जाएगा और पूरी तरह से विचलित हो जाएगा। और यही संसार में हम देख रहे हैं, सबके साथ हो रहा है। और अर्जुन अब अपने रथ पे बैठे तो है, घुटने के बल बैठ गया, रोने लगे। 125 साल का अर्जुन जो आज तक रोया नहीं, कोई युद्ध हारा नहीं, ये युद्ध भी जीतेगा, पर वो रोने लगा और कहा कि मैं समझ में मुझे नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। तो इस प्रकार से भगवान की योजना से अपना योजना अलग हो तो हम जो है विचलित के विचलित रहेंगे। हमें जल्दी से जल्दी अपना योजना को भगवान की योजना से जो है मिला देना चाहिए, नहीं तो धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अर्जुन भी परेशान है क्योंकि उनका योजना भगवान की योजना से अलग है, हम भी परेशान है क्योंकि हमारा योजना भगवान की योजना से अलग है। पर संजय भीष्म पितामह परेशान नहीं, क्योंकि उनको पता है भगवान का योजना है युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना, इसलिए उस योजना से उनका तालमेल है, इसलिए परेशान नहीं। हमें चाहिए कि अगर हम अपने परेशानी से दूर होना चाहते हैं, भगवान का योजना जानना चाहते हैं, तो हमें इसी वक्त भगवान का जो है संदेश आदेश धर्म के मार्ग में चलना चाहिए। कलयुग का धर्म है भगवान का नाम लेना, जितना हम भगवान का नाम हरि नाम लेंगे उतना हम जो है भगवान के नजदीक भगवान के योजना को जानने लगेंगे और हमारा योजना भगवान से मिल जाएगा और हम परेशानी से दूर होंगे। अर्थात हम सबको इसी वक्त शरीर आज से लेकर शरीर छूटने तक भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लेते रहना चाहिए, ताकि भगवान से हमारा संबंध बढ़ जाएगा, योजना पता लग जाएगा, परेशानी से दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा, हम खुश रहेंगे और उनको खुश करेंगे। प्रभुपाद जी और गुरुदेव के आज्ञा और प्रसन्न करते हुए, उनके ग्रंथों को पढ़ते हुए, उन वितरण करते हुए, प्रचार करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है। हम हरे कृष्णा।